हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले। तो आज है सावन का पहला सोमवार और हम जा रही हैं मंदिर। तो हम मंदिर के पास पहुंच गई हैं और हम सब ने ही आज व्रत रखा है। पहला सोमवार है सावन का, तो व्रत रखना तो बनता ही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मंदिर पहुंच गए हैं। ये है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। भोले बाबा की पूजा करने के बाद हम लक्ष्मी नारायण जी के फेरी लगाते हैं। तो मंदिर से आने के बाद मैंने पूजा भी कर ली है और मैंने आज गोपू को कुछ इस तरीके का श्रृंगार किया है। तो ये कुछ सामान मेरे पास रखे हुए थे, जैसे डमरू, त्रिशूल और ओम और ये रुद्राक्ष की माला वगैरह। तो मैंने आज गोपू को इस तरीके से तैयार कर दिया है आज कुछ सिंह। और पूजा करने से पहले मैंने घर के सारे काम निपटा लिए थे। तो चलिए आप लोग को बताती हूँ पूजा करने से पहले मैंने क्या क्या काम निपटाए हैं। तो मंदिर से आने के बाद सबसे पहले मैंने ये मटर बॉयल करने रख दिए थे हल्दी और नमक डालकर, जो कि मैंने रात को ही भिगो कर रख दिए थे पानी में। और अभी इनको छोंक दूंगी। तो यहाँ पर मैंने लहसुन कूट कर डाला है और यहाँ पर प्याज कट करके डाला है और सरसों तेल में मैंने पंचफूरन डाला था और सूखी हुई लाल मिर्ची दो टुकड़ा करके डाल दिए थे। और फिर लहसुन डाला, प्याज डाला, उनको फ्राई किया। फिर ये मटर जो बॉईल किए हुए थे इनको डालकर इसमें लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर मिक्स कर ली हूँ। और अब थोड़ा सा डालूँगी इसमें काला नमक और भुने हुए जीरे का पाउडर। तो बस ये तैयार हो गया है खाने के लिए। और कुछ मटर मैंने अलग से रखे हैं क्योंकि खुशी को खाने थे। तो ऐसे भी अच्छे लगते हैं बॉईल किए हुए जो रहते हैं ना हल्दी नमक वाले, वो भी ऐसे भी खाने में अच्छे लगते हैं। तो खुशी बोली थी तो उसके लिए मैंने रख दिया था। और नाश्ता बन गया था और केशव देखिए यहाँ पर नहाने जा रहा है। तो तब तक मैंने सोचा कि ये टेबल जो है साफ़ कर लेती हूँ। कुछ दिन पहले वैसे मैंने साफ़ की थी, टेबल क्लॉथ भी धुला था, बट फिर से देखिए इतनी धूल हो गई है। तो मैंने सोचा कि चलो झाड़ू लगाऊंगी उसके पहले एक बार ये साफ़ कर लेती हूँ। और टेबल क्लॉथ मैं हटा ही दूंगी, अभी इस पर नहीं मैं लगाऊंगी टेबल क्लॉथ। कभी कभी ऐसा होता है ना, एक ही तरह का देख के हमारा मन ऊब सा जाता है। तो मेरा मन ऊब गया है इस टेबल क्लॉथ से, मैं हटा दूंगी अभी। टेबल को ऐसे ही रखूंगी। और यहाँ पर देखिए टेबल साफ़ करने के बाद मैंने केशव को नाश्ता भी दे दिया था, वो नाश्ता कर रहा है। और मैं यहाँ पर फटाफट से झाड़ू लगा ले रही हूँ क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब कोई बाहर जाता है तो तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो अगर केशव सोप के लिए निकल जाएगा ना तो फिर आधा घंटा मेरा जो है ऐसे ही चला जाएगा, मैं झाड़ू लगा नहीं पाऊँगी। इसलिए मैं जो है ना फटाफट से झाड़ू लगाने का काम कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए इतना कचरा मतलब निकला है ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमें लगता है कि ज़रूरत का सामान रखा हुआ है। उसी चक्कर में हम सहज के रखते रहते हैं उस सामान को। और जब साफ़ सफाई करने लगते हैं ना तो तब पता चलता है कि कोई की भी काम की चीज़ नहीं है, सब बेकार की चीज़ है। तो इसी तरीके से मैंने टेबल साफ़ की ना तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी निकली जो काम की थी ही नहीं और मैं सहज कर रख रही थी। तो यहाँ पर देखिए फिर से मुझे कन्फ्यूज़न हो गया, मैंने वहाँ पर देख कर ही निकाला था सब सामान और दवाई वगैरह जो भी। और यहाँ पर फिर से मुझे लालच आ गया, अरे दवाई का ये कहीं मतलब मैं फेंक तो नहीं दे रही हूँ, काम आ जाएगा। तो फिर मैंने देखा ना तो डेट जो है एक्सपायरी हो गई थी, इसलिए मैंने फेंक दिया। तो इसी मतलब लालच के चक्कर में हम आलतू फालतू सामान भी सहज कर रखते रहते हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ आंगन में। और ये देखिए यहाँ पर जब भी बारिश होती है ये पानी यहाँ पर ठहर के रह जाता है और मुझे साफ़ करना ही पड़ता है। तो अपना घर तो जैसा भी है, टूटा फूटा नया पुराना, अपना घर जैसा भी होता है साफ़ रखना ज़रूरी होता है हमें। और इस काम को हमें कभी भी मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए, इस काम के लिए हमें हमेशा अपना घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने साफ़ कर लिया है। तो बस इसके बाद मैंने पूजा की थी। तो पूजा करने से पहले मैंने इतने सारे काम निपटाए थे, उसके बाद मैंने पूजा की थी। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल को मैंने किस तरीके से आज श्रृंगार किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब खुश होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे। तो आज है सावन का पहला सोमवार, तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत 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 बधाई। ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो सोमवार जा चुका होगा, बट फिर भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई पहले सोमवार की। और आज मैंने व्रत किया है, तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी की सब्जी छौंकी है और आलू की सब्जी मैंने बना ली है, कुकर में छौंकी थी। और यहाँ पर लगा रही हूँ आटा, तो दाल चावल नहीं बनाऊँगी, रोटी और सब्जी ही बनाऊँगी। तो चलिए आगे आप लोग बने रहिए, कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग काफ़ी लेट जा रहा है, पहला क्या दूसरा भी सोमवार बीत चुका है तब जाके ब्लॉग जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो आटा लगा ली थी, अब बना ले रही हूँ फुलके फटाफट से। और गर्मा गर्म फुलके में देसी घी लगा के चुपड़ के खाओ ना तो उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैंने ना पहले से प्लेट लगा के रखी है सब्जी डालकर, और ये दो फुलके
बना ली हूँ और पहले भोग लगा दूंगी भगवान को, फिर इनको दे दूंगी। तो पत्ता गोभी में मैंने आलू नहीं डाला है, आलू की सब्ज़ी अलग से बनाई हूँ और पत्ता गोभी की सब्ज़ी अलग से बनाई हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों ने लंच कर लिया है और अब मैं करूँगी। तो किचन जो है पूरा आप लोग देख ही सक रहे हैं हालत किचन की। पूरा किचन जो है फैला हुआ है, लेकिन अभी नहीं समेटूंगी, पहले खाना खाऊंगी। बड़ी जोरों की भूख लगी है, सुबह से बस एक कप चाय पी हूँ और कुछ भी नहीं। और पानी तो वैसे गर्मी है तो चलता ही है पानी तो। और बाद में किचन वगैरह क्लीन करूंगी, रोटी मैंने सारी सेक ली है। और पहले लंच कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बाद में मिलूँगी आराम से। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा इवनिंग में। अभी बज गए हैं 6:30 और मैं फटाफट से किचन की क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे मतलब इतना सोई हूँ कि मुझे 6:30 ही बज गए उठने में, तो इसलिए मैं फटाफट किचन साफ़ कर ले रही हूँ। तो फिर दिया बत्ती करूँगी और बर्तन तो आज रह ही गए हैं, अब बाद में ही करूँगी। और यहाँ पर देखिए, अब खाने की तैयारी कर ली हूँ। और ये भिंडी रखी हुई थी, मैं सोची थी कि दाल चावल के संग भरवा भिंडी बनाऊंगी, उस दिन मैं रखी थी थोड़ी भिंडी, लेकिन आज मैं बना दे रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी कुछ थी नहीं और भिंडी ही दिखी मुझे, तो मैं आलू डालकर बना देती हूँ, क्योंकि इन तीनों को ही खाना है, मुझे तो खाना है नहीं। आज मेरा व्रत है सोमवार का, तो बस आलू डालकर भिंडी की सब्ज़ी छोंक दे रही हूँ, इन तीनों का हो जाएगा। और यहाँ पर मैं रोटी चेक कर ले रही हूँ कि हो जाएगी क्या इन तीनों की, तो अगर हो जाती ना तो मुझे बनानी नहीं पड़ती, क्योंकि दोपहर को ही बनाई थी, लेकिन मैंने चेक किया कि सबकी नहीं होगी, तो फिर मैं थोड़ा सा आटा और लगाऊंगी और गर्म रोटी बना दूंगी, ताकि इन तीनों का तो हो जाए। और मुझे तो खाना नहीं है, मैं शाम को चाय पी ली थी वैसे दियावत्ती करने के बाद। और यहाँ पर फटाफट से आटा लगा ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सब्ज़ी छौंक दी हूँ और आटा भी लगा दी हूँ यहाँ पर, और अब चलूँगी वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए थे, क्योंकि आज सुबह से लाइट नहीं थी, लेट लाइट आई थी ना, तो फिर दोपहर को मैंने लगाए थे वॉशिंग मशीन कपड़े, और तो वॉश होके हैं, तो अभी उनको फैला दूंगी। और आज इतना सोई, दोपहर को इतना सोई ना क्या ही बताऊँ मैं, 6:30 बजे में उठी हूँ, तो बर्तन भी आज रह ही गए हैं, धुलने नहीं हुए थे, तो बस अभी 7:30-8:15 बज रहा है, तो अभी बस खाना बनाने का तैयारी कर ली हूँ, कपड़े फैला कर आकर फिर जो है बर्तन भी वॉश कर लूँगी। तो चलिए चलती हूँ वॉशिंग, मतलब कपड़े जो है फैला लेती हूँ। तो ये जो कपड़े हैं ये कल के ही फैले हुए हैं, तो बस इनको उतारूंगी पहले, उसके बाद जगह बनेगी तभी मैं फैला पाऊंगी आज वाले कपड़े जो धुल के हैं। तो बस इनको उतार ली हूँ। और ये ड्रेस जो सुबह आज मैं पहन के गई थी मंदिर, तो इसको भी मैंने यहाँ पर डाल दिया था, क्योंकि पसीने पसीने हो जाते हैं सुबह, तो फिर डाल देती हूँ सूख जाने के बाद, फिर ले ली थी। और यहाँ पर देखिए कपड़े जो है फैला दे रही हूँ फटाफट से। तो आज मुझे वीडियो भी अपलोड करना था, वो काम भी था, लेकिन सो गई आज, इतनी गहरी नींद आ गई कि मेरे को होश ही नहीं रहा। तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा आराम करके फिर वीडियो का काम करूँगी, बट वो काम भी रह गया, तो मुझे वो काम भी करना है, मेरे दिमाग में वो भी चल रहा है कि वीडियो भी अपलोड करनी है, तो इसलिए मैं फटाफट से कपड़े सुखा के आ गई हूँ। पहले मैं बर्तन वॉश कर लूँगी, रोटी तो मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी बन चुकी है, सिर्फ आटा लगा हुआ है, सिर्फ रोटी ही बनानी है। तो पहले बर्तन वॉश करके मैं वीडियो अपलोड करूँगी, उसके बाद ही रोटियाँ बनाऊँगी। अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वैसे 8:30 का टाइम हुआ है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, मतलब इतनी गहरी नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता, तो वही आज मेरे साथ भी हुआ। आज क्या कई बार होता है मेरे साथ ऐसा, तो फिर रोटी भी बना ली थी, तो देखिए रोटी का कभी काम ख़त्म हो गया है। और अब किचन क्लीन कर लूँगी और इसी के साथ ही आज के ब्लॉग का भी एंड करूँगी। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, न्यू हो गए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को